ठीक है, तो अब पार्ट ए का आंसर मुझे टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी स्केच करके जो है वो व्हाट्सएप पे दिखा सकते हो तो दिखा दो, ठीक है। जितना आप मुझे दिखा दोगे उतना मैं आपके ऊपर कमेंट भी कर सकूंगा कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू शो इन दिस डायग्राम, क्या शो करना है? बैरियर से वेव फ्रंट्स की रिफ्लेक्शन शो करनी है। द ओनली थिंग दैट द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू सी इज योर वेव फ्रंट्स, ना उसको नॉर्मल देखनी है ना उसको वेव की डायरेक्शन देखनी है, उसको सिर्फ वेव फ्रंट्स में इंटरेस्ट है। बट जैसे कि हमने कहा था, हम जैसे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते थे तो उसमें नॉर्मल बनाने में और वेव की डायरेक्शन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती थी, इफ़ यू रिमेम्बर, राइट? तो जैसे हमने सीखा था लास्ट क्लास में, अब उसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और मैं आपको 3 मिनट दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास के टाइमिंग का ख्याल रखना है। सही, सो हू एवर कैन सेंड दिस टू मी राइट नाउ इन अंडर 3 मिनट्स, आई विल चेक योर आंसर एंड आई विल टेल यू कि आपने सही बनाया गलत बनाया, वरना फिर मैं आपको ये स्क्रीन पे तो करके दिखाऊंगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर 3 मिनट्स एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इज एनी वन अटेम्प्टिंग दिस एंड सेंडिंग दिस टू मी? मैं वेट करूँ या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ? तो क्या सीखा था हमने? हमने ये देखा था कि आपको वेव की डायरेक्शन बनाने की अटेम्प्ट करनी है, तो ऑब्वियसली द वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है। वैसे तो उन्होंने भी यहाँ पे एरो आपको बना के दिया हुआ, बस मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि जाके उसको हिट करे, तो ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी वेव? एक चीज तो ये है कि आपका अंदाजा भी आपको ये बहुत बड़े आराम से बता सकता है, ठीक है, इजीली आपका अंदाजा भी आपको ये बात बता सकता है। लेकिन चलो आप क्या करो कि आप इसका नॉर्मल बना लो, ठीक है। इसमें आपको प्रोटेक्टर की अगर जरूरत पड़ती है तो कोई मसला नहीं, आप प्रोटेक्टर यूज करो,
अगर प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है तो प्रोटेक्टर के बगैर भी कर सकते हो। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, जहां पे वेव को हिट करवा रहे हो बैरियर को, वहां से 90 डिग्री की लाइन बनाओगे, ठीक है, ऐसे करके यूं लाइन बनाओगे, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल बन गया। अब आपका जो वेव है उसने कैसे जाना है यहाँ से, देखो जितना एंगल ये होता है उतने ही एंगल पे फिर वेव ने रिफ्लेक्ट करना होता है, तो अंदाजे से विदाउट मेजरिंग एनीथिंग मेरे ख्याल से वेव इतना रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, क्या ये अंदाजा सही है, यूं वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप क्या चीज चेक कर रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे एंगल आई कहते हैं, इसे एंगल आर कहते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऑलराइट, सो हमारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, परफेक्ट एग्जैक्ट प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत नहीं टू द डिग्री, बट अंदाजे से ही पता चल जाता है कि यार ये सही बना है या नहीं बना, ठीक है। अगर आप जाहिर सी बात है इसको यूं ले जाओगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये बैरियर 45 के एंगल में नहीं रखा, ठीक है बेटा, पहली बात तो ये समझनी है। अच्छा जब आप ये बात समझ लोगे उसके बाद अब आपने क्या करना था, मेन काम अभी तक नहीं हुआ, जिसके मार्क्स हैं वो किस चीज के मार्क्स हैं, वेव फ्रंट्स बनाने के मार्क्स हैं जो रिफ्लेक्शन के हैं। तो आप ये जो वेव बन चुकी है ना ये वाली, इसके वेव फ्रंट्स बनाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, इन वेव फ्रंट्स का गैप कितना होगा, ये जो गैप है ये इतना ही होना चाहिए जितना ओरिजिनल वाले वेव फ्रंट्स का गैप है। हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होती, सही है। अब इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जहां पे ये ओल्ड वेव फ्रंट्स जाके हिट कर रहे हैं ना बैरियर को, उन्हीं से आप अपने नए वेव फ्रंट्स जो है वो इस तरह ज्वाइन करके बनाओ, उससे ये होगा कि गैप मेंटेन रहेगा और आपको खुद से मेजर करके गैप नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब देखो मैं बना के दिखाता हूँ, एक लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी, ये तकरीबन 90 डिग्री टू द मेरी लाइन बन गई, ये बन गई, ठीक है, ये एक लाइन बन जाएगी, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तीन मिनिमम आपने वेव फ्रंट बनाने हैं, तो तीन से ज्यादा भी बना सकते हो, ये हो गया। और एक चलो मैं और बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे मार्क्स किस चीज के हैं, ये जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई हैं इनके मार्क्स हैं, पहला पार्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है कुछ करना है तो ले लो, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास, सब कुछ है, ठीक है। तो पार्ट बी पे आ जाते हैं, पार्ट बी पे आओ। और अब यहाँ पे आपको ये तो बहुत आसान है यार, इसका मुझे कौन बता सकता है, एक्सप्लेन कर दो या डिस्क्राइब कर दो या जल्दी से स्केच करके दिखा दो। यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनाने, हुआ ये है कि यहाँ पे पानी जा रहा था, इन्होंने नीचे यहाँ पे एक ग्लास का पीस रख दिया, तो यहाँ पे टैंक का रीजन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शैलो रीजन। शैलो रीजन में यहाँ पे वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, हु कैन टेल मी, इसका तो मुझे शाबाश जवाब देने के अटेम्प्ट करो, व्हाट वुड बी द चेंज एंड हाउ वुड यू ड्रॉ। स्मॉल बनेंगे, स्मॉल का मतलब इस तरह द छोटे, गैप कम होगी, गैप गैप कम होगी, गुड, ओनली द स्पेसिंग विल बी डिफरेंट एंड वी विल नॉट बी चेंजिंग द डायरेक्शन, एक्सेलेंट यार शायान, जबरदस्त। तो भाई ये हो गया आपका गैप कम, मतलब आप वेव फ्रंट्स बनाओ लेकिन उनका गैप जो है ना वो कम कर दो, लेकिन ये है कि इनका आपस का गैप फिर ये सेम रखना, ये ना हो कि एक में गैप ज्यादा है दूसरे में गैप कम है, और कम से कम 3 से 4 वेव फ्रंट्स तो बनाओ ना आप। अच्छा बहुत कोई मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस अंदाजे से गैप जो है वो कम होना चाहिए, स्केल यूज करके डायग्राम वाले नीट बनाना, बस ये बन गया, ठीक है, हो गए, 1 मार्क का ही था। एज द वेव पासेस, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इफ एनीथिंग टू वेव स्पीड, हाँ भाई स्पीड को क्या होगा, शैलो कम रीजन हो में, गई, कम हो गई। फ्रीक्वेंसी गुड, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी, जबरदस्त, रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, वो हमने बना के दिखा दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, थोड़ा सा ना ये मुश्किल सवाल है, इसमें वेव की विजुअलाइजेशन थोड़ी सी अब आपने समझनी है। तो यहाँ सर्कुलर वेव फ्रंट्स बने हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं, हमने देखा था कि आपके पास अगर आपका डिपर हो इस किस्म का, इस किस्म का डिपर हो अगर,
तो आप जाहिर सी बात है सर्कुलर वेव फ्रंट, सर्कुलर रिपल्स बना सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर डिपर जो है ना वो बन गया है, ठीक है। अब सर्कुलर वेव फ्रंट्स उन्होंने बनाए और वो कह रहे हैं कि यार हमने कुछ दो ये वेव फ्रंट्स बनाए हुए, और इसके अंदर उन्होंने एक और चीज दिखाई हुई है कि ये हर वेव फ्रंट के बीच में जो गैप है ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्या चीज हो गई वेव की, ये कौन सी प्रॉपर्टी है वेव की, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज माय वेवलेंथ, वी शुड नो दैट राइट, ठीक। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने टैंक के अंदर ना दो कॉर्क के पीस रखे हैं। कॉर्क क्या होता है, एक वुड होती है बहुत लाइट वेट जो कि पानी में फ्लोट करती है। तो एक कॉर्क यहाँ रखा हुआ है ए और एक यहाँ रखा हुआ है बी, ये दो कॉर्क रखे हुए हैं। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताओगे कि ये जो वेव फ्रंट है ये वाला, ये जो सर्कल है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वेव की। अगर ये वाला वेव फ्रंट क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कर लो अगर ये क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये जो अगला वाला वेव फ्रंट है ये वाला, इज दिस ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ क्रेस्ट और इज इट रिप्रेजेंटिंग अ ट्रफ द नेक्स्ट वन। सर ट्रफ, सोच लो बेटा और से ध्यान से, हमारी ये बात नहीं हुई थी। अगर एक क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर दूसरा वाला भी क्रेस्ट ही रिप्रेजेंट करेगा। सो मतलब एक क्रेस्ट यहाँ पे है, दूसरी क्रेस्ट भी यहाँ पे है। तो अगर लेट सपोज कॉर्क ए जो है वो क्रेस्ट उस पे आई हुई है, मतलब वो हाई पॉइंट पे है, ऐसे ए सपोज करो यहाँ पे है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे होगा। लेकिन पॉइंट बी कहाँ पे होगा फिर इस वक्त, पॉइंट बी पे क्या आया हुआ होगा, पॉइंट बी कहाँ पे होगा, दो क्रेस्ट के बीच में ना पॉइंट बी। अगर ये ए है मेरे बच्चे, ये क्रेस्ट हो गया और ये दूसरी क्रेस्ट है, तो ये जो पॉइंट बी है ये कहाँ पे है, ट्रफ, ट्रफ पे। इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज। और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए, 8 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस है ना, हाँ, तो इसके बीच में 4। हाँ ये 4, शाबाश। अच्छा अब ये जो ग्राफ बनाया हुआ ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का नहीं ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो किसी एक पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होता है। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है ग्राफ के नीचे, ग्राफ शोज व्हाट हैव आई रिटन ओवर हियर, वन पॉइंट पोजिशन एज टाइम वेरीज। अब ये वाला ग्राफ कौन से पॉइंट की पोजिशन की वेरिएशन शो कर रहा है, ए की या बी की, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये जो ग्राफ है ये पॉइंट ए की वेरिएशन शो कर रहा है या बी की वेरिएशन शो कर रहा है, ए, ये ए की शो कर रहा है, ये इन्होंने कहां लिख दिया, ये इन्होंने यहां लिख दिया, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। तो ए की वेरिएशन ये आपको शो कर रहा है। अब कह रहे हैं एम्पलीट्यूड बता दें पहले तो देख के, तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप मुझे देख के ग्राफ से एक सेकंड में बता सकते हो कितना एम्पलीट्यूड है भाई। शाबाश जल्दी से जवाब दो यूनिट के साथ, जवाब 2 mm, 2 यूनिट के साथ mm, mm, ठीक है। अच्छा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज हाफ द वेवलेंथ, वी नो दैट, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ली, मैंने पूछा था शायन ने बोला था ए और बी के बीच में डिस्टेंस 4 है। कह रहे स्केच अ ग्राफ टू शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी उसी। अच्छा एक और गलती होती है इस तरह के क्वेश्चन में, हमने स्कूल के बच्चों के पेपर चेक कर चुका हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक में चेक करता हूँ, कहते हैं स्केच अ ग्राफ ऑफ बी। अब वो क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे नया एक्सेस प्लॉट करके उसके ऊपर बी का ग्राफ बना रहे होते हैं, नहीं बेटा उन्होंने लिखा हुआ ऑन 4.2, ऑन 4.2 मतलब आपको उसी ग्राफ के ऊपर ही, इसी ग्राफ के ऊपर ही, इसी ग्रिड के ऊपर बी का भी ग्राफ बनाना है। तो याद रखो जब ए पे क्रेस्ट आई हुई थी तो बी पे क्या आई हुई थी, ट्रफ आई हुई थी। तो इसका मतलब है जब बी पे क्रेस्ट होगी तो ए पे ट्रफ आई हुई होगी, वाइस वर्सा ऐसे ही होगा ना। तो क्या आप मुझे ए और बी का, ए का ग्राफ बना हुआ है, बी का ग्राफ यहाँ पे स्केच करके दिखा सकते हैं रफली, व्हाट्सएप में स्केच करके दिखा दो या चैट में बता दो कि सर कुछ इस तरह का बनना चाहिए ग्राफ।
बी का ग्राफ बना हुआ है, सॉरी ए का बना हुआ है, बी का आपने बनाना है, व्हाट वुड बी डिफरेंट, व्हाट वुड द सिमिलैरिटीज ऑफ द ग्राफ बी, व्हाट वुड बी डिफरेंट अबाउट द ग्राफ. तो जरा मुझे एक जल्दी से क्विक सा स्केच करके दिखा दो विदाउट राइटिंग डाउन द नंबर्स ऑन द ग्राफ और एनीथिंग. सोच लो इसके बारे में थोड़ा सा. सही कह रही है हमारा, आपका आंसर सही है बिल्कुल. हमारा ने जो मुझे जवाब दिया वो बिल्कुल सही दिया है. व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स, आमना, फातिमा, सलीबा, हुज़ैफा बेटा. कैसा ग्राफ बनना चाहिए? यू कैन शो मी द स्केच और यू कैन जस्ट टेल मी कि सर हमें यूं बनाना चाहिए. पर इसको डिस्क्राइब करना भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है. आइडिया आ रहा है जहन में? बात ये हो रही थी कि जब ए होगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो बी होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ऐसे ही है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि जब ए की क्रेस्ट आई हुई है तो बी की आएगी ट्रफ, मतलब जब ए यहाँ पे है तो बी यहाँ होना चाहिए. एक मिनट बेटा होल्ड करेगा प्लीज, ठीक है? अच्छा, लेट्स कंटिन्यू. सो यहाँ पे जब ए पे आई हुई होगी ट्रफ तो बी पे होगा क्रेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बिल्कुल ऑपोजिट ग्राफ बना लेना है. तो कैसा बनेगा ग्राफ? यू बनेगा. आई होप समझ में आ गई बात, बस इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. सेम एम्पलीट्यूड रखना है, एम्पलीट्यूड वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एग्जैक्ट ग्राफ बन रहे हैं, बस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट. ऑलराइट, सो ये ग्राफ जो है ये बी का है और ये वाला था ए का. ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगले पार्ट का जवाब जो है ये मुझे सब लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करके देना, मैं वेट कर रहा हूँ. यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फ्रॉम द ग्राफ. शाबाश. चलो जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और जो ये कर ले वो फिर अगला पार्ट भी कर सकता है. अगला पार्ट भी आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट नजर आ रहा है. ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सी पार्ट वन. सही शायान, सही है फातिमा, ठीक है आमिना, आपने कोई जवाब नहीं दिया, दे दिया, ठीक है आ गया. सलीबा बेटा आप बताओ कैसे होगा. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ग्राफ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी. वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ग्राफ से वेव वेवलेंथ एंड स्पीड.
हाँ लेकिन इस ग्राफ से वेवलेंथ निकाल नहीं सकते ना, प्रॉब्लम सारा ही है, और वेव की स्पीड भी नहीं है हमारे पास। देखो इस पूरे ग्राफ, पूरे क्वेश्चन में हमें वेव की स्पीड नहीं दी हुई। आप जो मेथड बता रही हो वो मेथड गलत नहीं है, लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस सवाल में वो डेटा गिवन नहीं है। यू आर नॉट गिवन द स्पीड एंड यू आर ऑल्सो नॉट गिवन द वेवलेंथ। यू हैव द वेवलेंथ बट यू डोंट हैव द स्पीड। तो एक तरीका जो यहाँ से है, आसान तरीका, वो ये कि ग्राफ से निकालते हैं आप पीरियड। ग्राफ से पीरियड पता चल रहा है, वेव यहाँ पे शुरू होकर कंप्लीट कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना। 0.5 तो वेव का पीरियड कितना हो गया, 0.5। ये हो गया वेव का पीरियड, ऐसा ही है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1/पीरियड। तो 1/0.5 किया, आंसर आ गया 2, 2 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ में आ गई बात, क्लियर यस सर। है? ओके अब अगला सवाल जो है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको पूरा डायग्राम विजिबल कर रहा हूँ। गो अहेड एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज गोना गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट। थोड़ा सा सोचने वाला है सवाल, बहुत सीधा सीधा सवाल नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बस फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा आंसर नहीं आ जाएगा, बट थोड़ा सा सोच के करने वाला है। तो करो, वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके हमारा कैन यू एक्सप्लेन, ये करेंगे कैसे? लाइक मुझे को थोड़ा मेथड अपना बता सकते हो कि आप हाउ डिड यू गेट टू द आंसर? आंसर तो सही है। आमिना का भी सही है। सो आमिना ने तो अपना मेथड बताया, उसने बेसिकली अपनी कैलकुलेशन दिखाई कि मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ। हमारा मुझे बता सकते हो कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, लाइक व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर टू गेट टू द राइट आंसर? ओके सो फर्स्ट कैलकुलेट द स्पीड, फर्स्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड। स्पीड क्या होती है, लैम्डा एफ। वेव का वेवलेंथ हमें पता है कितनी थी, 8 सेंटीमीटर यहाँ गिवन दिया हमें, और फ्रीक्वेंसी वेव की थी 2 हर्ट्ज। तो वेव की स्पीड आ गई 16, बट याद रखेंगे ये स्पीड मीटर्स पर सेकंड में आई, ये स्पीड आई है सेंटीमीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में थी। अब वो आपसे कह रहे हैं डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द वेव टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर टू द एज, और सेंटर से लेके एज तक का डिस्टेंस है कितना, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको टाइम निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, यू आर गिवन द डिस्टेंस एंड यू ऑल्सो नो द स्पीड। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, स्पीड है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड की, इससे आपका आंसर आ गया 2.5 सेकेंड्स। ओके ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, सही हो गया भाई, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, ठीक है? मैंने कहा था हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे, तो 5 को करके देखते हैं। 5 का पार्ट बी जो है उसमें आपको खुद से जवाब लिखना है, आपने मुझे चैट में लिख के बताना है। A 1 2 3, इसको भी डिस्क्राइब कर दो कि सर ये कैसे होगा, या स्केच करके दिखाना है व्हाट्सएप पे, तो स्क्रेच 1 मिनट में जल्दी से अपनी कॉपी पर स्केच करके मुझे दिखा दो। इसके अंदर जो पार्ट 3 है ना, सबसे ज्यादा मुझे इस पे टेंशन है ए पार्ट 3 में, because I've seen, I gave that question in a test as well to my school students and they all made a same mistake. तो वो मैं mistake जो देखना चाहता हूँ आप लोग भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैंने clarify तो किया था कि वो क्या mistake है जो आपने नहीं कर ली A part 3 के अंदर। I'm pretty sure कि बाकी दोनों parts सब सही कर लेंगे। तो करो
ए भी करो बी भी करो, मुझे जवाब देना शुरू करो, सब लोग फिर आगे चलते हैं। सही फातिमा, आपका आंसर ठीक है, बस इसको बनाते वक्त जो है ना एक चीज हमने एक्स्ट्रा शो करनी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी बता दूंगा। बाकी आपका आंसर सही है, आई गॉट योर आंसर। व्हाट अबाउट पार्ट टू? शाबाश, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर्स करें। मैं व्हाट्सएप भी खोल रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे स्केच करके बताना है तो स्केच करके भी दे सकते हैं। ओके आमना, सही है आमना, आपका जवाब सही है, ऑलमोस्ट ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत मुझे कहीं कंफ्यूजन नजर आ रही है, बट वैसे सही लग रहा है मुझे ओवरऑल, ठीक है। सो सबसे आसान तरीका जो मूवमेंट ऑफ द हैंड है, वो तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि द हैंड शुड बी मूविंग अप एंड डाउन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो हमारा वो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के लिए अभी कह रहे हैं ना, वी विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे बनानी है वो चीज मुझे पूछना था सर। अच्छा, वेवलेंथ कहाँ शो करेंगे, ये तो सबसे आसान है। क्रेस्ट, आसान तरीका ये होता है कि क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक डबल हेडेड एरो ऐसे मार्क कर दो, हमेशा इस तरह एरो बनाना चाहिए, ये आपकी वेवलेंथ हो गई। और एम्पलीट्यूड बनाने के लिए ना जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप बीच में से, क्योंकि बच्चे शो करने की कोशिश करते हैं, एक गलती जो बच्चे करते हैं वो इस तरह एम्पलीट्यूड दिखा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये नहीं होता एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो सबसे पहले आप बीच में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, डॉटेड बनानी है नहीं बनानी वो आपकी मर्जी, और उस डॉटेड लाइन से या तो आप क्रेस्ट तक ट्रफ तक डिस्टेंस मार्क करो या क्रेस्ट तक मार्क करो। चलो मैं ट्रफ तक कर देता हूँ, मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एग्जामिनर को, उसको क्लियर कट आपका आंसर नजर आए, क्योंकि इसलिए डॉटेड लाइन बनाने का बहुत फायदा होता है। इवन अगर ना भी बनाई हुई डॉटेड लाइन लेकिन बीच में से मार्क हो तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन डॉटेड लाइन बनाने से बहुत क्लियर हो जाता है। हाउ वुड यू फाइंड द फ्रीक्वेंसी यूजिंग अ स्टॉप वॉच? अब इसके लिए मैंने बाकायदा बहुत टाइम लगा के, हमने सिम्युलेटर खोला था, आपको याद होगा रोप वाला इसी तरह का सिम्युलेटर था, और हमने स्टॉप वॉच यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी, ठीक है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड आउट की थी, अब ये आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या किया था क्लास के दौरान, फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल रहे थे। तो या फिर नोट्स में कहीं, मैंने वैसे टेक्स्ट में तो नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी ये हमने खुद एक्टिविटी की थी क्लास में, और आप लोगों ने मुझे जो है वो फिर कैलकुलेशन करके दी थी, और हमने वेव को प्ले किया था, अभी से पॉज किया था, बट हम वो क्या टेक्निक यूज कर रहे थे 2 मार्क के लिए वो मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। स्टॉप वॉच है आपके पास और आपने फ्रीक्वेंसी नोट ली। तो मार्क का क्वेश्चन है, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब नहीं करना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है जो आपने बतानी है।
ऑल राइट सॉरी आई थिंक आई वॉज म्यूट, मैं बता देता हूँ. मैं कह रहा हूँ जिस तरह ये पेंडुलम स्विंग करता है, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए आप एक दफा ही स्टॉप वॉच पे इसका टाइम नहीं मेजर करते. लाइक यू डोंट लेट इट जस्ट स्विंग फॉर वंस, यू लेट इट स्विंग फॉर 10 और 15 और 20 टाइम्स. सिमिलरली वेव का अगर आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है ना, तो पहले आपको वेव का पीरियड मेजर करना है. और पीरियड मेजर करने के लिए आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप जो है वो वेव को एक दफा ऑसिलेट करवाएं सिर्फ. यू विल नॉट मेजर द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन ओनली, यू विल मेजर द टाइम फॉर मल्टीपल ऑसिलेशंस. मतलब यू विल आस्क समवन कि आप वेव जो है वो रोप के ऊपर बनाओ और आप दूसरी साइड पे खड़े होके उसकी मल्टीपल ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करोगे. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू विल मेजर, यू विल स्टार्ट द स्टॉपवॉच एंड देन यू विल काउंट द ऑसिलेशंस. आइदर यू विल काउंट द ऑसिलेशंस और यू कैन लेट्स से काउंट द नंबर ऑफ क्रेस्ट्स पासिंग दिस पॉइंट. आप इधर खड़े हो सकते हो और आप कह सकते हो कि यहाँ से जितने क्रेस्ट गुजर रहे हैं उनको मैं काउंट करूंगा. या फिर आप एक पॉइंट के ऊपर कोई चीज, कोई निशान लगा के उसको ऊपर नीचे उसकी ऑसिलेशन काउंट करोगे. तो यहाँ पे कितनी ऑसिलेशंस काउंट करनी है या कितनी वेव्स काउंट करनी है, एटलीस्ट 10. लेट्स सपोज आप 20 काउंट करते हो, ठीक है? तो आप लिखोगे स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड स्टॉप इट व्हेन 20 ऑसिलेशंस आर कंप्लीट. उससे ये होगा कि आपको बहुत जल्दी में स्टार्ट और स्टॉप नहीं दबाना पड़ेगा, ये रिएक्शन टाइम को अवॉइड करने के लिए, रिएक्शन टाइम एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? 20 ऑसिलेशंस का आपने टाइम मेजर किया. अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है? तो अगर आपको पीरियड निकालना है, अब एक तरीका ये है कि आप पीरियड निकालना चाहते हो तो पीरियड तो होता है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपने टोटल टाइम मेजर किया है स्टॉप वॉच वाली रीडिंग जो है, जो आपने टाइम मेजर किया है टोटल टाइम, उसको डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे. इससे आपके पास आ जाएगा टाइम फॉर वन ऑसिलेशन या पीरियड होगा. और फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वन अपॉन पीरियड करोगे, ये आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है? एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप ये पीरियड आपको निकालने की जरूरत एज सच है नहीं. दूसरा ये है कि ये जो पीरियड वाला है और ये दो स्टेप्स में आपको करने की जरूरत नहीं, आप एक स्टेप में कर सकते हो. आप इस तरह सोच सकते हो कि यार अगर 20 ऑसिलेशंस के लिए लेट सपोज लग रहे हैं, आई डोंट नो 15 सेकंड्स लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही होंगी. सो यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड. यू कैन से यार अच्छा अगर लेट सपोज 15 सेकंड्स में 20 ऑसिलेशंस हो रही हैं, राइट, मतलब आपका जो टाइम टी था उसमें 20 ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होंगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.75. और इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लोगे. मतलब यू कैन से एफ इज इक्वल्स टू 20 अपॉन टी. 20 ऑसिलेशंस, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है इसको आप एन बोल दो. यहाँ पे आप एन लिख सकते हो, आप 20 के बजाय यहाँ पे एन भी लिख सकते हो, ठीक है? बट आपने एन 20 लिखा है तो आप यहाँ पे 20 ही लिख दो. अगर आपने वहां पे एन लिखा है तो आप वहां पे एन लिख दो. और टी क्या है, टाइम मेजर्ड फ्रॉम द स्टॉप वॉच, जिसे आप अपना टोटल टाइम कहते हो. तो आप ये चीज डायरेक्टली यहाँ लिख के भी अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है? तो दोनों तरीके हैं. क्या पहले पीरियड निकाल के देखो, इसका उल्टा करोगे जैसे मैंने यहाँ किया है तो पीरियड निकलता है, ठीक है? अगर ये काम करोगे तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकलती है. तो अगर आप पीरियड निकालोगे तो फिर आपको 1/पीरियड करके फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, बस इतना सा फर्क है. बट ये अब आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और मल्टीपल ऑसिलेशन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब एक ऑसिलेशन करके काम नहीं अपना छुड़ा सकते, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम होता है कि उसमें आपका ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो है वो आपकी सारी रीडिंग को बहुत इनएक्यूरेट कर देता है. आर वी क्लियर? अब अगले पार्ट का जवाब मुझे ना सारे स्टूडेंट से चाहिए, क्योंकि इस पे भी हमने सिमुलेटर के साथ बहुत मेहनत करके कॉन्सेप्ट समझे थे. कौन मुझे बता सकता है कि हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रोड्यूस अ वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ? सेम रोप है, रोप सेम है तो इससे क्या फर्क, क्या चीज चेंज नहीं होगी? ये भी एडिशनली मुझे अपने आंसर में ऐड करके बता दो, ये बात पूछी भी नहीं है. लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ स्टूडेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, शाबाश, मुझे प्राइवेट मैसेज में डायरेक्ट मैसेज करके बताओ, शाबाश.
हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू प्रोड्यूस लॉन्गर वेवलेंथ्स? वेवलेंथ तो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप किस चीज को अफेक्ट करोगे जिससे वेवलेंथ लंबी हो जाएगी? शाबाश, बताओ। इस पर भी बहुत डिस्कशन की थी हमने। ओके आमना, पहली बात तो ये बेटा कि स्पीड और वेवलेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट है, इसको सही करो। फातिमा करेक्ट आंसर। अच्छा आमना, दूसरी बात बेटा ये है कि इफ यू आर यूजिंग द सेम रोप, पहले तो ये सोचो स्पीड डिपेंड किस चीज पे करती है। स्पीड आपकी मीडियम पे डिपेंड करती है, एंड दे आर सेइंग यूजिंग द सेम रोप। सो इफ यू आर यूजिंग द सेम रोप इट मींस यू कैन नॉट चेंज द स्पीड। आप स्पीड नहीं डिक्रीज कर सकते, जो वी होता है ना, वी वेव का, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अब आपकी जो आपने बात लिखी है ना, बाय डिक्रीजिंग द स्पीड, मुझे समझ में आ रही है आप कहना क्या चाह रही हो। आर यू टॉकिंग अबाउट द हैंड ओवर हियर? जस्ट गिव मी अ यस और नो। यस, बट देन यू हैव टू मेंशन दैट ही हैज टू मूव हिज हैंड अप एंड डाउन स्लोअर, दैट डज नॉट चेंज द वेव स्पीड। यस सर, मैं आप क्या चीज कम कर रही हो वेव की? आप तो सोर्स को कम मूव कर रही हो ना, सोर्स को कम मूव करने से अब पहुंच गए। शाबाश, गुड, सही है। फातिमा और आमना तो आंसर पे पहुंच गए, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया अभी तक। ठीक है सलीबा, वेरी गुड। ठीक है, सो हमें पता है कि सेम रोप यूज करने से स्पीड तो सेम रहेगी, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या बची? हमें पता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो अब पूरी बात यहां पे लिखो, बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, डोंट यूज द टर्म स्पीड, बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विद विच ही इज मूविंग his hand up and down. समझ गए बात आप लोग? ठीक है, चलो बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा ईयर है? 2015 का। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, डिटरमिन द वेवलेंथ, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तीनों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट बहुत ही आसान है, मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है 2 मार्क में, पार्टिकल्स की मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी, इसकी मूवमेंट बस डिस्क्राइब कर दो मुझे 2 पॉइंट्स के लिए, आप क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन दोगे? पूरी लाइनें भरने की आपको जरूरत नहीं है, आप योर आंसर कैन बी शॉर्टर देन द स्पेस प्रोवाइडेड। जस्ट रियलाइज वेदर ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल, और उसके हिसाब से जवाब दे। शाबाश, सो इन दिस केस आमना, जब आपने लिखा परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन, इन दिस केस इज अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, ये भी बता दो ना, बिकॉज सिचुएशन आपको दिखाई भी है, सो यू कैन मेंशन द वर्ड्स अप डाउन लेफ्ट राइट। अपने आंसर में डिटेल जो है वो, पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, ठीक है। अच्छा, रादर देन सेइंग मूव, व्हाट इज अ बेटर वर्ड देन मूव? वेव के अंदर पार्टिकल मूव एसेंशियली नहीं कर रहे होते, मूव करना मतलब होता है अपनी जगह छोड़ देना, बट पार्टिकल अपनी ही पोजिशन के अबाउट क्या कर रहे होते हैं? मूव नहीं कर रहे होते बल्कि वाइब्रेट या ऑसिलेट। सो अ बेटर वर्ड वुड बी टू से द पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन, ठीक है, अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन। Particles oscillate या vibrate किस direction में? इस केस में up and down कर रहे हैं, ठीक है, about ठीक। शाबाश, wavelength बताओ सब लोग, wavelength बताओ, फिर अगले पार्ट से मुझे वो भी बताओ, फ्रीक्वेंसी भी बताओ अगले पार्ट में। सब कुछ दिया हुआ है आपको, सारी डिटेल है। वेवलेंथ आपने डायग्राम से देख के बतानी है।
सही है शायान, आगे चलो फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ हमारे पास क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक हो गया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? आपको स्पीड बताई हुई इतनी है, फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। स्पीड इतनी है 2.0, वेवलेंथ कितनी है 0.40। क्या आंसर आ जाएगा हमारा बेटा? इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक करो। आपने जो हमारा नहीं, हमारा आपने कैलकुलेशन बेटा गलत कर दिया। 2/0.4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय नहीं है। सो 2/0.4 क्या हो जाएगा? 5 का यूनिट क्या देंगे भाई? यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। 5.0 लिखते हैं तो बेहतर है, बिकॉज एवरीथिंग वाज गिवन टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, योर आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 5 मींस 1 सिग्निफिकेंट, 5.0 लिखना बेहतर है। मार्क्स तो नहीं कटेंगे आपके, लेकिन फिर भी ड्रॉ द स्ट्रिंग 0.1 सेकंड्स लेटर। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे बना के दिखाएंगे ऊपर वाले डायग्राम पे। मतलब अगर आप अपने पेज पे क्या करो, एक ओरिजिनल स्प्रिंग बनाओ पहले जैसा बना हुआ है, और फिर उस पर बना के दिखाओ कि 0.1 सेकंड बाद इसी के ऊपर डायग्राम जैसे कैसा बनेगा स्प्रिंग, यूं बनेगा कैसा बनेगा, वो मुझे उसी के ऊपर बना के दिखाओ कि 0.1 सेकंड लेटर ये स्प्रिंग स्ट्रिंग जो है उसकी शक्ल कैसी होगी। ठीक है चलो मैं वेट कर रहा हूँ। Your calculations will help you understand कि 0.1 second बाद wave कैसी बनेगी। ऊपर वाले डायग्राम पर ही बनाना है असल में, ये दोबारा वही गलती नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं अपना अलग से डायग्राम बना देते हैं। It says on figure 4.1, मतलब उसी जहां पे बंदा बना हुआ है, जहां पे रोप बनी हुई उसी के ऊपर अपनी डायग्राम भी आपने बनानी है। ठीक है सो हाउ वुड इट लुक लाइक आफ्टर 0.1 सेकंड्स? आमना ने मुझे बना के दिखाया है। आमना बेटा अगर ओरिजिनल नहीं बना हुआ होगा तो फिर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि उसके मुकाबले में ये कैसे बना हुआ है? दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। लाइक ओरिजिनल का एक लाइन बनाती है, उसके ऊपर ही इसको बनाती है, तो मुझे पता चलता कि हाउ वुड हैव यू डन डिफरेंटली। बात समझ में आ रही है? सो आई कांट अंडरस्टैंड कि आपने कुछ चेंजेस किए उसमें या नहीं किया, किसी और ने नहीं बताया अभी तक मुझे। तो इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मेन वेव का पीरियड जो है वो क्या होगा? वेव का पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी तो 1/5, इसका मतलब वेव का पीरियड है 0.2 सेकंड्स। एक सेकंड बाद मतलब 0.2 सेकंड में वेव क्या करेगी? जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये 0.2 सेकंड्स बाद क्या करेगा? ये वाला पॉइंट
it will complete its one oscillation and it will come back to the original position. ये वाला point क्या करेगा 0.2 seconds बाद? It will complete its oscillations and it will return to the starting point. ये वाला point क्या करेगा? It will complete its oscillation and it will return to the starting point. सारे points अपनी oscillation complete करके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे in 0.2 seconds. मतलब after 0.2 seconds the wave would look exactly like this, जैसी अभी बनी हुई. लेकिन हमसे ये नहीं पूछा हुआ, हमसे पूछा हुआ है कि after 0.1 second जो है वो आप हमें बताएं, ये पूछा हुआ है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये करना है कि आप सोचो कि आधे टाइम में, पीरियड के आधे टाइम में वेव क्या करती है, पीरियड के आधे टाइम में वेव क्या करती है, वेव आधी ऑसिलेशन कंप्लीट करती है. इज इन दैट ट्रू? आधी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहां पे होगा, ये वाला यहां से यहां वापस आ चुका होगा, यहां होगा, ये वाला यहां पे होगा, सही है. तो मतलब सारे पॉइंट्स अपने आधे आधे ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, यहां 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 यहां. क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारी वेव कुछ ऐसी बनेगी. जीरो पॉइंट वन सेकेंड बाद हमारी वेव एग्जैक्टली इस तरह होगी, दिख रहा है. Is that clear? Okay, let me explain again. Wave एक, चलो मैं सिमुलेटर ही खोल के दोबारा दिखाता हूँ ना. हमने सिमुलेटर इतनी दफा यूज किया, आज दोबारा यूज कर लेते हैं. I'll have to take a minute to open it up. एक मिनट लगेगा मुझे ओपन करने में, एक सेकेंड लेना, ये लोड होने में टाइम लगाएगा. हो गया, फॉरन ही लोड हो गया. चलो गुड. नाउ लेट्स ओपन अप आवर टाइमर एज वेल. ठीक है, उसको स्लो मोशन कर देते हैं. अच्छा, अब इस वेव का पीरियड कितना है, इस बात को पता लगाते हैं. अच्छा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज. तो आमना मुझे इस वेव का पीरियड बताओ क्या है. सबसे पहले तो मुझे बताओ इस वेव का पीरियड क्या है. अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो पीरियड कितना है? जीरो पॉइंट फाइव. पीरियड का आधा टाइम कितना होगा, व्हाट इज हाफ ऑफ दैट पीरियड? जीरो पॉइंट टू फाइव. ओके, अब मैं वेव को पॉज करता हूँ, यहाँ पे पॉज कर दिया. What I'll do is I'll play the timer and the wave and I will pause it at 0.25 seconds. ठीक है, अब अभी वेव की शक्ल देख लो, बेशक पिक्चर ले लो इसकी, फिर देखना कि 0.25 seconds बाद ये वेव दिखने में कैसी होती है. ठीक है, चलो 1 2 3 go. टाइम ज्यादा गुजर गया, दोबारा से ट्राई करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन. एक मिनट, सॉरी, मुझे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी दोबारा से. ओके, लेट्स ट्राई अगेन. ठीक है, दोबारा से ट्राई करें. 0.25 सेकंड्स के लिए मैं वेव को प्ले करूंगा और फिर स्टॉप कर दूंगा. डिड यू नोटिस एनी चेंज? दोबारा रोकूंगा, ऐसा हुआ. अब 0.75 पे जाके रोकूंगा दोबारा, और 1 सेकंड पे जाके रोकूंगा दोबारा. क्या आप ना विजुलाइज कर पा रही हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? आधी
आधे टाइम पीरियड में आधी ऑसिलेशन होती है, एक टाइम पीरियड में एक पूरी ऑसिलेशन होती है, एक टाइम पीरियड में वेव अपना पूरा जो क्रेस्ट होता है वो वापस पूरा घूम के क्रेस्ट पे ही आ जाता है, जो ट्रफ होता है वो वापस अपना ऑसिलेट करके ट्रफ पे आ जाता है। लेकिन आधे टाइम पीरियड में क्या होता है, आधे टाइम पीरियड में जो क्रेस्ट होता है वो ट्रफ बन जाता है, जो ट्रफ होता है वो क्रेस्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमने यही किया यहाँ पे, जो क्रेस्ट था उसको ट्रफ बना दिया, जो ट्रफ था उसको क्रेस्ट बना दिया। गुड, थैंक यू। चलो बस ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज हम लास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। मुझे जल्दी से टेबल की वैल्यूज बताओ, टेबल के अंदर बताओगे क्या हमें आंसर्स लिखने चाहिए। शाबाश। कह रहे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और उसकी वाइब्रेशन किस तरह की है वो हमने आपको बता दी, अब आप बताएं साउंड किस टाइप की वेव है और वाटर में जो वेव्स हैं वो किस टाइप की वेव्स हैं, उसको कंप्लीट कर दें, टाइप ऑफ वेव भी और उसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। बस जल्दी जल्दी बता दो। सो साउंड वेव किस टाइप की वेव्स है, सबको याद है ना? किसकी एग्जांपल है साउंड वेव? लॉन्गिट्यूडिनल। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल है, तो इसका मतलब हम जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मेंशन करेंगे तो उसमें क्या चीज डिफरेंट रखेंगे? एक मिनट रुको, हम बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होती बल्कि क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल होती है। Parallel to the direction of energy transfer होती है। Water वाली waves किस तरह की होती है? जो water के surface पे waves बनती हैं। Longitudinal या transverse? Transverse। Water वाली transverse होती हैं, जो water के ऊपर ripples बन रहे होते हैं obviously। और बस इतनी सी बात ही बतानी थी। यहाँ पे हम लिख देंगे transverse। और basically पहली line का copy हो जाएगा ये। और यहाँ पे लिखना है longitudinal। और हमने ये चीज चेंज किया है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। अब ये आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है जिसमें एक वेव जो है वो रोप के एक वेव बनी हुई है अलोंग द रोप, ठीक है, और हाइट ऑफ द रोप आपको दिखाई हुई है, लेकिन वो हाइट जो है वो रोप के इक्विलिब्रियम पोजीशन से नहीं मेंशन की हुई है। नोटिस करना कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जीरो नहीं है बेटा, इस बात का खास ख्याल रखना। उन्होंने बेसिकली जीरो भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, एक सर्टेन पॉइंट से हाइट मेंशन की हुई है, जैसे जमीन जमीन से जो है वो हाइट मेंशन शायद जमीन से या बेंच से हाइट को जो है मेंशन किया हुआ। सो आपने इस ग्राफ से पहले तो एम्पलीट्यूड जो है वो डिटरमिन करना है 0.25 सेकंड्स पे, 0.25 सेकंड्स पे वेव का एम्पलीट्यूड कितना है वो आप इस ग्राफ से मुझे खुद आइडेंटिफाई करके बताएं कैसे होगा। ग्राफ के ऊपर देखो, बहुत एक्यूरेटली रीड करना है, ठीक है, कोई छोटा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, आधे बॉक्स का भी एरर नहीं होना चाहिए, आधे बॉक्स का भी एरर नहीं होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड, वरना उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो मैं देखता हूँ सब क्या आंसर देते हैं। एम्पलीट्यूड बताना है सही यूनिट के साथ, यूनिट का भी ख्याल रखना। फातिमा, गलती ये है कि बेटा आपने रीडिंग तो सही लिया ग्राफ से, बट इट्स नॉट द आंसर, द रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ इज नॉट योर आंसर, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। रीडिंग तुमने गलत नहीं ली है, यू हैव रेड द ग्राफ करेक्टली, बट इट्स नॉट द आंसर। ये रीडिंग लेके फिर इसको थोड़ा सा समझना है कि इसको इससे एम्पलीट्यूड कैसे आएगा।
तो भाई हम जब एम्पलीट्यूड जब भी किसी चीज का मेजर करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले आइडेंटिफाई करनी होती है. अगर तो वो जीरो पे ही हो वेल एंड गुड, बट इट वाज नॉट ऑन जीरो, राइट? द इक्विलिब्रियम पोजीशन वाज नॉट ऑन जीरो. सो आपने 0.25 सेकंड्स यहां पे है बाय द वे, तो इधर से एम्पलीट्यूड निकाला आपने, आपने ये रीडिंग ले ली. आपका एम्पलीट्यूड, आपने यहाँ पे रीडिंग ली, आ रही है आपकी 1.29 आ रही है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. बट उसको लेना जीरो से नहीं है, वो 1.29 रीडिंग है बट कहां से, 1 से 1.29 तक. तो ये हाइट एग्जैक्टली कितनी हो गई, ये हो जाएगी 0.29. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? ये 1.29 आपका आंसर नहीं होगा, 0.29 होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजिशन 1 पे थी, तो 1 से मेजर हो रही है एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, अच्छा. हाउ द ग्राफ शोज दैट द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी तो नजर नहीं आ रही होती ना, ग्राफ पे कोई फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है नहीं है, लेकिन टाइम का एक्सेस है. टाइम से आपको क्या चीज मिलती है, टाइम एक्सेस से क्या चीज निकालते हैं? स्पीड. नहीं, स्पीड नहीं निकालते हैं, टाइम से हम निकालते हैं टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसका नाम होता है पीरियड. हम निकालते हैं वेव का पीरियड. पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी पता है. वेव का पीरियड कितना है, 1 सेकंड. अगली जब वेव कंप्लीट होती है उसका भी पीरियड कितना है, दोबारा से 1 सेकंड, फिर दोबारा से 1 सेकंड. तो अगर वेव का पीरियड इज कॉन्स्टेंट, सो frequency is also constant. बस इतनी सी बात है. पीरियड चेंज नहीं हो रहा था, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती, बस ये बात करनी थी. ठीक है, और देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इस फाइल में, देर इज लॉट्स टू डू, बहुत सारे सवाल आते हैं. यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, इसकी प्रैक्टिस करो. एक दिन हम और लगा लेंगे इसके पास पेपर्स पे, विच विल बी थर्सडे. और मैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो वाले करने की कोशिश करूंगा जो कि वो हैं रिफ्रैक्शन वाले, रिफ्रैक्शन के जो डायग्राम्स है ना वो कंप्लीट करूंगा. और हो सकता है अगली क्लास में मैं लाइट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूं. लाइट को हम 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे चैप्टर को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंजेज. बड़ा चैप्टर है लाइट का, इंशाल्लाह लाइट का चैप्टर सबका अच्छा हो जाएगा ना, तो एक बहुत बड़ा चंक सिलेबस का पूरा हो जाएगा. तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जनवरी के अंदर अंदर लाइट को तो खत्म करें. साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक एक क्लास के चैप्टर है, इसको मैं एक एक क्लास में करवाऊंगा, एक एक क्लास उनके पास पेपर्स पे लगेगी. देन वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, स्पेस फिजिक्स. ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर कोई बच्चा अपने पेज पे आगे पढ़ना भी चाह रहा है ना, तो मैं इन चीज़ों के चैप्टर्स के नोट्स और पेपर्स पहले ही अपलोड कर दूँ. नोट्स और पेपर्स पढ़ते तो हम जाएंगे, बट आई नो के किसी कोई स्कूल में थोड़ा आगे है, कोई अगला चैप्टर को पढ़ना चाह रहा है अपने टेस्ट वगैरह के लिए, तो आई विल ट्राई टू डू एक दिन टाइम निकाल के क्लासरूम पे मैं रिसोर्सेज जो है वो आगे तक अपलोड कर दूंगा जितनी है मेरे पास अभी, नोट्स वगैरह और पास पेपर सब चीज़ें. और फिर पढ़ाते वक्त जो है मैं उन्हीं नोट्स को ही यूज़ करूँगा आगे. सो दैट्स व्हाट आई विल डू. ठीक है, चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. लव, हाफिज़.